हेलो गाइस, दिस इज माय न्यू चैनल। तो इस वाली वीडियो में हम इस लैपटॉप का रिव्यू करेंगे। ये है MSI GF63 जो कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में मुझे 54,490 मतलब 54,500 में मिला, और ये कभी कभी 50,000 पे भी जाता है। मेरा एक फ्रेंड है हॉस्टल में, उसको 50,000 में मिला था। तो ये बेस्ट डील है और बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है इस प्राइस के अंदर। तो इस लैपटॉप को रिव्यू करेंगे हम। मैं इस लैपटॉप को अराउंड 3 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, तो अच्छा खासा आइडिया आ गया है कि क्या क्या इसमें कमियाँ हैं और क्या क्या अच्छी बात है। तो लेट्स स्टार्ट। डिज़ाइन की बात करेंगे तो बहुत ही थिन एंड स्लिम डिज़ाइन है एज़ कम्पेयर टू अदर गेमिंग लैपटॉप्स, जो कि वे करता है 1.8 किलोग्राम पे। और मुझे ऐसा ही लैपटॉप चाहिए था जिसका वेट कम हो, क्योंकि कैंपस में लेके पूरा दिन घूमना पड़ता है और शोल्डर इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग। और इसमें मेटल कवर फिनिश है जो कि फिंगरप्रिंट मैग्नेट है थोड़ा, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। और बेजल्स जो है वो बहुत ही कम है, जिस वजह से जो एक्सपीरियंस है पूरे डिस्प्ले का वो बढ़ जाता है। पोर्ट्स की बात करेंगे तो इसमें 3 USB टाइप ए पोर्ट्स है जो कि USB 3 बेस्ड है। एक USB C का पोर्ट है, इथरनेट के लिए पोर्ट है, RJ45 का पोर्ट है, और डेडिकेटेड माइक्रोफोन और हेडफोन जैक है, मतलब 3.5 mm हेडफोन जैक है, और एक HDMI का पोर्ट है। तो पोर्ट्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, पोर्ट सारे पोर्ट्स दे रखे हैं। सिर्फ एक SD कार्ड का अगर पोर्ट होता तो ज़्यादा अच्छा होता, कॉस्ट कटिंग कर रखी है यहाँ पे। डिस्प्ले की बात करेंगे तो 15.6 इंच की फुल HD IPS पैनल है इसमें, जो कि एक एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, और ब्राइटनेस बहुत ही डिसेंट है। मैंने इसे सनलाइट में यूज़ किया है, कोई दिक्कत नहीं आई, और व्यूइंग एंगल्स भी बहुत ही कमाल के हैं, और कलर्स भी बहुत अच्छे दिखाता है ये। और ये एक 60 हर्ट्ज़ का पैनल है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसमें i5 9th जनरेशन है जो कि 2.4 GHz पे क्लॉक्ड है, जो कि टर्बो बूस्ट के साथ 4.1 GHz तक जा सकता है। और 8 GB की रैम है, 512 GB की SSD है जो कि एक एज है HDD से, मतलब SSD ज़्यादा फास्ट होती है, और 4 GB की NVIDIA GTX 1650 Max Q वाला ग्राफिक कार्ड है जो बहुत ही कमाल का है। मैंने इसमें GTA 5, Far Cry 5, PUBG, WW2K 19 Ashes सारी गेम खेल रखी है बिना किसी दिक्कत के, सारी हाईएस्ट सेटिंग पे चल जाती है। GTA 5 हाईएस्ट सेटिंग्स पे 55-60 FPS दे देता है, PUBG अल्ट्रा सेटिंग्स पे 65-70 FPS देता है, Far Cry 5 मीडियम ग्राफिक्स पे 45-50 FPS दे देता है। मतलब सारी गेम्स आपको 60 FPS कंटिन्यूसली दे देंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी में। और हाँ, गेम खेलते वक्त ये बिल्कुल भी ओवरहीट नहीं करता, हल्का सा वार्म हो जाता है लेकिन ओवरहीट कभी नहीं करता। बस ये मेक श्योर करना है जो कूलिंग फैन है वो ऑन हो। कीबोर्ड की बात करेंगे तो अच्छा है, टाइपिंग एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा था, मतलब ग्रेटेस्ट नहीं था लेकिन अच्छा था। ये कीबोर्ड बैकलेट कीबोर्ड है जो कि सिर्फ एक ही कलर को सपोर्ट करता है, रेड कलर। इस प्राइस रेंज पे अदर लैपटॉप्स के कीबोर्ड RGB सपोर्ट करते हैं, पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया है, मे बी कॉस्ट कटिंग है। और इस कलर की इंटेंसिटी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। माउस स्पेस की बात करेंगे तो ठीक ठाक है, इट्स नॉट दी ग्रेटेस्ट बट ठीक है। जो बटन्स है वो भी काफ़ी अच्छे फील देते हैं, और ये जो माउस ट्रैक है ये सारे विंडोज जेस्चर को सपोर्ट करता है। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 51 Wh की बैटरी है, जो कि MSI क्लेम करता है कि 7 hours तक चलेंगी, लेकिन नहीं, ये 6 hours या फिर 5.5 घंटे तक का बैटरी लाइफ आपको देगा। और अगर आप गेमिंग कर रहे हैं कंटिन्यूसली तो मैक्सिमम ये सिर्फ 2 hours तक जाता है, मैंने कर रखा है ये, सिर्फ 2 hours जाएगा अगर आप गेमिंग करोगे कंटिन्यूसली। और अगर आप लाइट टास्क कर रहे हो, जैसे ब्राउजिंग कर रहे हो या फिर कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 6 hours तक चली जाती है बैटरी लाइफ। और इसमें 120 वॉट का पावर अडाप्टर है जो कि डिसेंट स्पीड से लैपटॉप को चार्ज कर देता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप गेमिंग कर रहे हो और अगर आपको एकदम पीक परफॉर्मेंस चाहिए, मतलब जूस निकाल देना है पूरा, तो अगर आप चार्जर प्लग इन करके गेमिंग करोगे तो आपको पीक परफॉर्मेंस मिलेगा, क्योंकि लैपटॉप्स में ऐसा ही होता है, अगर चार्जर पे लगा हुआ है लैपटॉप तो पीक परफॉर्मेंस मिलती है हमें। इसमें कुछ कमियां भी है, जैसे जो स्पीकर्स है वो ज़्यादा लाउड नहीं है। और एक और कमी है कि इसमें फैक्ट्री सील स्टिकर लगा है, मतलब अगर आपको रैम अपग्रेड करना है ऑन योर ओन तो आप नहीं कर सकते, वो वारंटी अवॉइड कर देगा। ये मेरे लिए मेजर कॉन्स नहीं थे क्योंकि मैं हेडफोन लगा लेता हूँ ज़्यादातर, तो इस प्राइस रेंज पे दूसरे भी लैपटॉप्स अवेलेबल है लेकिन वो मुझे सूट नहीं किया, क्योंकि किसी में USB C पोर्ट नहीं था या फिर किसी का वेट ज़्यादा था। तो मुझे एक ऐसा लैपटॉप चाहिए था जो ओवरऑल बहुत ही डिसेंट हो, मुझे ऐसा लैपटॉप चाहिए था जो कोड कर सके, मैंने कोडिंग करने के लिए लिया है, और एक अच्छा खासा प्रोडक्टिविटी एक्सपीरियंस दे, तो मैं इसके साथ गया। तो अगर आप भी एक स्टूडेंट हो या फिर प्रोडक्टिविटी का काम करना चाहते हो या फिर गेमिंग करना चाहते हो, नॉट एट मैक्स लेवल बट डिसेंट लेवल पे गेमिंग करना चाहते हो और आपका बजट ये है, तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें भी। तो होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये कंटेंट मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, तो आप अपने कमेंट सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या इंप्रूव कर सकते हैं। और मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ, मेरा नाम जावेद खान है, मैं NIT सूरत में फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में पढ़ रहा हूँ, अभी करंटली मैं मुंबई में हूँ, यहाँ पे मेरा घर है। अभी COVID-19 का सिचुएशन चल रहा है, जो भी जब कॉलेज में जाएंगे तो और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाएंगे आपके लिए, आपको दिखाएंगे कि NITians क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, सब दिखाएंगे। तो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं।